हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे भी कोई भी इमेज में से किसी भी कलर कास्ट को रिमूव करते इजीली। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करूँगा कलर कास्ट इमेज। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमेज आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक इमेज के साथ मैं ट्राई करूँगा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेव नहीं करूँगा, मैं कॉपी कर रहा हूँ सिंपली। और यहाँ पर जाके फोटोशॉप में जाके न्यू, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिपबोर्ड के हिसाब से ही एक पेज आपके पास बन के आएगा। तो यहाँ पे आप ओके करिए और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत येलो टोन है, तो मुझे ये येलो टोन को हटाना है। तो कैसे हटाना है इसको, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जाके फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर, देखिए दो तरीके दिखाऊँगा मैं यहाँ पे आपको। तो सबसे अच्छा तरीका जो ये है, देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल कलर है, मतलब यहाँ पे हम करेंगे इसका बेसिक में वाइट बैलेंस से। तो वाइट बैलेंस में क्या होता है कि ये दीवार का कलर जो है ज़्यादातर वाइट होता है और ये शर्ट तो वाइट समझ ही आ रहा है, तो मैं दोनों पर करके देखूँगा। तो यहाँ पे देखिए वाइट बैलेंस पे यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, तो इस आई ड्रॉपर टूल लेंगे हम और यहाँ पे पहले तो दीवार पे टेस्ट करेंगे। दीवार पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए ये हो गया। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर आप दीवार पे नहीं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे शर्ट मतलब जो भी पार्ट आप चाहते हैं कि ये पूरा वाइट रहे, जैसे यहाँ पे कर दिया, हो गया। कंट्रोल जेड करिए, तो देखिए ये जो है शायद किसी कंप्यूटर की स्क्रीन है, और यहाँ पे टैप करेंगे तो भी देखिए वाइट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ना करते हुए मैनुअली भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो है, तो हम येलो से जो कलर हमें दिख रहा है उससे ऑपोजिट जाएंगे। तो हम यहाँ पे किसकी तरफ जाएंगे, टेम्परेचर माइनस मतलब ब्लू की तरफ जाएंगे, तो इतना। और अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन स्टोन आ रहा है, तो हम ग्रीन के ऑपोजिट में जाएंगे थोड़ा सा, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, तो अब ये तो हो गया। अब एक और इमेज पर टेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक और इमेज हम लेंगे, हाँ ये वाला ले सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज कर लेंगे और फिर से यहाँ पे जाके कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, मतलब एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, तो अब देखिए ये पेस्ट हो गया। तो ये देखिए पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे भी कई बार बहुत सारे इमेज फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल हम लोग प्रेस करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा तो रिमूव हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो हमें चाहिए और ज़्यादा। तो हम फिर से वो पहला वाला ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसको और फिर यहाँ पे फिल्टर में जाकर कैमरा ऑफ फिल्टर। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही आ गई है, और यहाँ से आप लेंगे इसको आई ड्रॉपर टूल को। देखिए जो पार्ट आपको वाइट चाहिए, देखिए ये जो वुडन फ्लोर रहता है तो इसमें थोड़ा सा वाइट कलर नहीं मिलेगा आपको। आप इस बच्चे के शर्ट या इस टेडी बियर को क्लिक कर सकते हैं, तो मैं इस टेडी बियर पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये कलर कास्ट जो है हट चुका है। तो अगर आपको ये समझ में ना, मतलब आपको जैसे कि ये इमेज अगर हम कंट्रोल जेड प्रेस करें तो देखिए ये बहुत ज़्यादा लाल है। तो आपको अगर मान लीजिए ऐसा कोई इमेज है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से हिस्से में ज़्यादा, मतलब कौन से हिस्सा वाइट है, तो आप क्या कर सकते हैं एक चीज़, तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे और इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे और माइनस करके इस बाहर से पूरे ड्रैग करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, तो भी देखिए ये सेम काम करेगा। तो आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में।